लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। बता दें कि अभ्यर्थियों ने संयुक्त रूप से नियुक्ति की मांग को लेकर सुपा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आवास पर घेराव किया। 530 दिनों से इको गार्डन में धरने पर बैठे अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, जिसमें कई विपक्षी दल के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं इको गार्डन के बाहर, जहां लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और यहां जैसे कि महिलाएं और सभी देखने को मिल रहे हैं और सभी दलितों और अपने न्याय के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि अभी तक इनके साथ जो धरना कर रहे हैं उसके बाद कोई अभी भी एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। हमारे प्रति यही एक्शन लिया है, हम लोग रोड पे बैठे गए हैं। बाकी अंदर इको गार्डन को जेल में इतना दिन से हम लोग बंद थे, हम लोग उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। 530 दिन हो गए लेकिन हमको कोई यहाँ पे पूछने वाला है ही नहीं, ना कोई पक्ष का है ना कोई विपक्ष का है। ये 530 दिन जो हो गए हैं उसके बाद आपको क्या लगता है कि आप क्या एक्शन लेंगी, तो अगर सामने वाला एक्शन लिया जाएगा? अब हम लोग यही कि हम लोग अब ऐसे ही बैठेंगे। योगी बाबा हमारे जो नारियों की पूजा करवाते हैं, देखिए हमारे यहाँ लखनऊ में राजधानी में नारियों की पूजा ऐसी हो रही है कि रोड पर हम लोग लाठियां खा रहे हैं, हमारे बाल खींचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और दुशासन राज अब स्टार्ट कर दिए योगी बाबा कि उनके अधिकारी है जो हम लोग की लिस्ट निकाल के 6,800 की, और हमको नियुक्ति नहीं दे रहे, हमको यहाँ बेबस कर दिए बैठने के लिए। और हम लोग अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग अभी तो ठीक है, अभी बच्चों को घर पे छोड़ के आते हैं, वरना अब 2-3 दिन के बाद हम लोग अपने बच्चों को लेके यहीं पे आके रात दिन एकदम यहीं बैठेंगे अब, जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं दे देते हैं, या तो फिर योगी बाबा ये अपना बिगुल बजाना बंद कर देंगे कि नारियों का हम सम्मान करते हैं। वो सम्मान करते होंगे, हम मानते हैं, लेकिन हम दलित पिछोड़ की नारियों का सम्मान नहीं उनके राज्य में, उनके शासनकाल में, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है। उनको पूरे उत्तर प्रदेश की न्यूज मिलती है, हम दलित पिछड़ों की न्यूज उनको नहीं सुनाई दिखाई दे रही है। वो कैसे न हमारे सीएम, हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, इतना कहने के बावजूद भी उम्मीद है कि अगर प्रशासन द्वारा मीडिया द्वारा हमारी बात योगी बाबा तक पहुंचाएगी तो हमें न्याय जरूर देंगे, आज भी विश्वास है। मैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, जैसे कि बताने को आया है इन्होंने कि जैसे कि वो अपने घर समाज सब छोड़ के सड़कों पे आ चुके हैं, तो अगला कदम देखते हैं क्या होता है। मैं कैमरामैन रोहित के साथ आयुषी शर्मा, MKN News से।